संकट की इस घड़ी में कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए मुंबई धारावी अग्निशमन दल के अधिकारियों ने उठाए अहम कदम। धारावी में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए नई तकनीकी मशीनों से धारावी की गलियों में सैनिटाइजर किया गया। दल के आला अधिकारी एस के सावंत इंचार्ज धारावी अग्निशमन दल ने धारावी के लोगों को कोरोना वायरस से बचने के कई उपाय भी बताए। इसका कारण क्या है कि ये जो वायरस है ये संक्रमण से फैलता है, उसको मतलब किसी को ये संक्रमण लागत हुई है और उसने किस उसने कुछ खांसी किया या उसको अगर छींक आई उससे जो उसका जो छींक निकलती है उससे ये वायरस एक से दूसरे में संक्रमित हो जाता है और इससे फिर आदमी की जान जाने की संभावना होती है। इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है और आप लोगों को घर में रहने के लिए बताया गया है। आप लोगों ने घर पर रहना है, अगर आपको कुछ काम है, जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलना है और उस वक्त अपने चेहरे पे अपने मास्क लगाना है और रस्ते पे चलते वक्त या दुकान से सामान खरीदते वक्त आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। मतलब क्या है कि आपको एक दूसरे आदमी के अंदर तो एक तरह का गैप रखना है, 3 फुट या 3.5 फुट 4 फुट का आपको डिस्टेंस रख के उसमें आपको खड़ा रहना है। इससे क्या हुआ है कि जो संक्रमित जो होता है वो संक्रमित बीमारी फैलेगी नहीं और अपने देश में जो बीमारी आई है ये जल्द से जल्द खत्म होगी। सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है। तेजी से कोरोना वायरस मुंबई की झोपड़पट्टियों में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसी के चलते लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। फायर विकेट की बात करें तो मुंबई की फायर विकेट इस समय मुंबई की झोपड़पट्टियों में सैनिटाइजर करती नज़र आ रही है। हम धारावी में मौजूद हैं, यहां पर भी मुंबई फायर विकेट की ओर से सैनिटाइजर किया जा रहा है और यहां के लोगों को सतर्कता बरतने की बात भी बताई जा रही है। चर्चा करेंगे, यहां पर कई लोग जमा हैं, आला अधिकारियों ने इनको समझाने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे, अधिकारी ने आपको अभी समझाया है, क्या आपके समझ में आया है इस विषय कोरोना वायरस के विषय में? हाँ आया है। क्या? कोरोना से बचना है आपको, घर पे रहना, घर में रहना है, अंदर रहना है और क्या बचना है, यही ना बचना है। घर कोरोना से बचना है, घर में रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है। हाँ यही लगाना है, मास्क लगाना है, घर में रहना है, घर में रहना है और क्या करना है। आप भूखे मरे उसके कोई एतराज नहीं है, समझे? नहीं, भूखे नहीं मरेंगे, सरकार आप लोगों के लिए इंतजाम कर रही है। अगर कहीं ऐसी दिक्कत है कि आपको खाना नहीं पहुंच रहा है तो आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत 1 से 2 घंटे में खाना, राशन जो भी है आपको मदद मिलेगी। अगर ऐसी कोई आपके पास कोई दिक्कत है और या आजू बाजू में भी है तो आप 100 नंबर पर फ़ोन करके मदद ले सकते हैं सरकार से। क्या कहना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी है, आप जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? से उपाय यही होने चाहिए कि हम जैसा सरकार ने अपने नियम पालन करने के लिए बोल रहा है कि हाथ पैर बाहर निकले तो धुले और जाए तो फिर धुले और हर 5 मिनट में साफ़ सफाई रखे, एक दूसरे से बचे, जैसे सर्दी बुखार और जुकाम ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर से संपर्क करे, चेक कराए और हम लोग को जो खाने पीने की या रहने सहने की जो दिक्कत है उसमें भी सहायता मिलनी चाहिए कुछ सरकार की तरफ से या कहीं से कोई आम पब्लिक से। बहुत ही अच्छी बात कही है कि खाने पीने की सुख सुविधाओं में सहायता सरकार की ओर से मिलना चाहिए, मगर इन्होंने जो बात कही है कि सतर्कता बरतनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, ऐसे में इनकी भी भूमिका अहम नज़र आ रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस पर, आपकी क्या राय है? मैं यही कहूँगा कि लोगों को अपने अपने घर में अच्छे से रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, जब अगर कानून अपना साथ है, जब कानून अपनी मदद कर रही है तो उनकी भी हमें बात मान के ही चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर आएंगे तो एक को और टेंशन होगा, दूसरों को भी टेंशन होगा और एक जो एक गरीब आदमी जो काम कर रहा है जिसके पास खाने पीने को नहीं है उनको पहला देखा जाए। अब जिनके पास है वो तो बैठ के खा रहे, जिनके पास नहीं हो तो भूखे मर ही रहे हैं इंसान। और इसका एक ही हल है कि अपने घर में अपने परिवार के साथ में अच्छे से अच्छे रहें लोग। सरकार हेल्पलाइन नंबर दे रही है, बार बार फ्री टोल नंबर दे रही है, ऐसे में इन नंबरों पे भी आप संपर्क साथ सकते हैं। क्या है, जिसको मालूम है वो तो कर रहा है लाइन और जिसको नहीं मालूम है तो बेचारा कहाँ जाएगा। अभी जो अनपढ़ गवार है उनको तो अगर किसी से पूछने जावे तो लोग बताएंगे ना, और जब नहीं पूछे तो मालूम तो पड़ेगा नहीं किसी को। लॉकडाउन का पालन सबको करना चाहिए इसके अंदर।
तेजी से कोरोना वायरस जो मुंबई में के जो धारावी में हम मौजूद हैं, आपकी भी यहाँ पर मौजूदगी है, आप भी यहाँ शायद रहते हैं, तो ऐसे में जो तेजी से फैल रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसको अगर बीमारी है, मैं कहूँगा कि वो सीधे जाके अपने आप को सिलेंडर कर दे, सबसे अच्छी बात। क्योंकि अगर एक के पास जाएंगे 10 को फैलेगा, 10 के पास जाएंगे 100 को फैलेगा। एक इंसान की जगह पे 100 आदमी को आप खुद मार रहे हो, तो एक गुनहगार के मतलब 100 आदमी खुद मर रहा है ना। तो धारावी में रहने वाले ये शख्स हैं, इनका भी ये कहना है सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, और अगर आपको कहीं ना कहीं संक्रमण की महसूस होने लगा है तो आप BMC में जाकर चेकअप करा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी है? सरकार को ये काम करना चाहिए, यहाँ से 15-15, 20-20 लोग जो कारखाने में फंसे पड़े हैं उन लोगों को स्टेशन पे बुलाना चाहिए, 12 घंटा पहले 10 घंटा पहले बुलाना चाहिए उन लोगों को, और उन लोगों को बुलाने के उनका चेकअप कराए और उनको ट्रेन में बैठा के गांव भेज देना चाहिए। यहाँ बॉम्बे में और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कम हो जाएंगे, कम होने की वजह से लोगों को जो बीमारी लगना है वो और नहीं लगेगी और नहीं फैलेगी। जो इन लोगों का चेकअप हो जाएगा, स्टेशन पर मिल जाएंगे लोग, स्टेशन पर इनका चेकअप होने के बाद में इनकी दवा दारू हो सकती है, और जो अच्छे लोग हैं उनको इनके घर पहुंचा दिया जाए। सरकार को यह अहम भूमिका उठाना चाहिए और ये जल्द से जल्द काम करना चाहिए। धारावी में अगर धारावी की हम बात करें तो बड़ी जनसंख्या वाला ये दक्ष क्षेत्र है, ऐसे में कई राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इनका ऐसा कहना है कि सरकार ने लोगों को यहाँ से उनके जो जिस राज्य से आए हैं उन लोगों का चेकअप कर उस राज्य में ऐसे लोगों को जो जाना चाहते हैं ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए। आला अधिकारी हैं, अभी लोगों को उन्होंने धारावी के लोगों को उन्होंने गाइड किया है, समझाया है कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जा सकता है, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, धारावी के लोगों को, तेज़ी से जहां पर कोरोना वायरस के लोग शिकार हो रहे हैं, ऐसे में सैनिटाइज़र किया जा रहा है, आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? फायर ब्रिगेड जो है, हम लोग ये जो मशीन द्वारा सैनिटाइज करते हैं पूरा एरिया में, किसी भी एरिया में हमको कोई कोरोना का पेशेंट की जो मालूम मिलती है हमको BMC द्वारा, तो ये वो एरिया को हम लोग पहले प्राधान्य देते हैं और वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज करते हैं। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा ये साइनलाइज करते करते लोगों को थोड़ा सा अपने एक अवेयरनेस करना जरूरी है। TV पे माध्यम में सब बताया जाता है, लेकिन फिर भी एक प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई ऑफिसर आके बोलता है लोगों में कि ये जो कोरोना वायरस कैसे किस तरह से फैलती है और इसके लिए क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए और क्या क्या अपने प्रिकॉशंस लेना है, तो ये एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक, जब भी मैं सैनिटाइजेशन करता हूँ तो साथ ही साथ एक लोगों के लिए एक थोड़ा सा एक मालूम करने के लिए एक थोड़ा सा हम सबको समझाते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना है, ये ज़रूरी है। नई तकनीक की मशीन जो है आज यहाँ पर सैनिटाइज़र मारने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, क्या अहम भूमिका है इस मशीन की? ये जो मशीन है वो कॉम्पैक्ट मशीन है, आप देख सकते हो, उसका जो नाम है प्रोटेक्टर 600। जो धारावी जैसी जो एरिया है जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ है वहाँ पर हमारी जो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ पर पहुँचने के लिए, गली गली में पहुँचने के लिए हमारे जो BMC के कमिश्नर साहब है और हमारे डिपार्टमेंट जो CFO है चीफ साहब है, उन्होंने ये मशीन का यहाँ पे मुंबई में मंगाया है। ऐसे 5 मशीनें हमारे पास अभी तक आई हुई है जो कि धारावी में है दिए हुए हैं, वर्ली में दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है मुंबई के हॉटस्पॉट एरिया में, वहाँ ये मशीनें देने की कोशिश है हमारे चीफ साहब की। और ये जो मशीनें गली गली में जाके, छोटे छोटे गली में जाके ये फवारनी करेंगी, स्प्रे करेंगी, उससे जो कोरोना जो वायरस का है वो खात्मा करने के लिए बहुत उसकी हेल्प हो सकती है, उस हिसाब से हम इसको स्प्रे करते हैं। तो फायर विकेट में ऐसी भी तकनीक की गाड़ी आ चुकी है प्रोटेक्टर 600, जो कि छोटी गलियों में भी जाकर सैनिटाइजर कर सकती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, धारावी में जो तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? धारावी में जो परिस्थिति है वहाँ पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ है, एक एक झोपड़ी में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो धारावी में बहुत दिक्कतें आने की संभावना है। उसमें भी लोगों ने अगर सेल्फ प्रिकॉशन लिया, खुद के बारे में अगर प्रिकॉशन लिया, हर घर में अगर अवेयरनेस पैदा हो गया कि इससे क्या क्या लक्षण है और जैसे लक्षण दिखते हैं वैसे तुरंत अगर उसमें अगर उसने उपचार चालू किया, तो इससे उनका जो 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 मरीज है वो ठीक होने में और ये जो बीमारी फैलने में बहुत सारी मदद हो सकती है। तो उन्होंने तुरंत हेल्थ पोस्ट में जाके अगर किसी को ये बीमारी या लक्षण दिखने में आती है,
तो तुरंत उन्होंने जाके हेल्थ पोस्ट में जाके अपनी जांच करवाना जरूरी है। तो आला अधिकारी हैं एस के सावन साहब फायर ब्रिगेड के, उनका भी ये कहना है कि धारावी में बड़ी जनसंख्या वाला दग क्षेत्र है ये, ऐसे में लोगों ने अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो कैमरा पर्सन राशिद के साथ मैं नियाज खान, एचटीवी न्यूज मुंबई। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एचटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।